केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कुल्लू पहुंचे। कुल्लू पहुंचने पर यहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और कार्यकर्ता ही यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और सरकार के नीतियों कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। जहां तक मैं कुल्लू आने की बात है, खूबसूरत इस वादी में यहां के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से इन्होंने मोदी जी की सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया है कि 9 साल मोदी जी की सरकार के पूरे हो रहे हैं, जन जन तक जाएंगे और 9 सालों की पहचान सेवा समर्पण गरीब कल्याण, और ये पहचान जो है ये गरीबों के काम की करने की, गरीबों के कल्याण करने की। मोदी जी ने पहले दिन कहा था कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, और इन 9 सालों में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 3,50,00,000 गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, 11,60,00,000 घरों को पीने का पानी का कनेक्शन दिया, 9,50,00,000 लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर का मुफ्त में कनेक्शन दिया, हर गांव को बिजली का कनेक्शन दिया, बिजली की सुविधा दे दी, और यही नहीं 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, अब 40 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है, रेलवे लाइन 2.5 किलोमीटर की बजाय अब 9 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है, और तो और कोविड जैसी महामारी से बचाने का काम किया और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक देने का काम किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया, और हमारे नेतृत्व जो है मोदी जी का, उसका गुणगान आज पूरी दुनिया करती है कि भारत में अपनी एक उम्मीद देखती है, भविष्य देखती है दुनिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। निश्चित तौर पर कुल्लू मनाली में जो लाखों पर्यटक हर सीजन में आते हैं, वो कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, नेरचौक, मंडी, मनाली इस रूट से आते हैं, और इसमें 4-लेन हाईवे का काम बहुत तेज़ी के साथ चला है, बहुत सारे चरण इसके पूरे किए गए हैं। कीरतपुर नेरचौक के जो काम है वो 87 किलोमीटर से कम होकर अब 57 किलोमीटर के लगभग सड़क रह जाएगी, और 3 घंटे 45 मिनट जो समय लगता है वो कम होकर मात्र 40-45 मिनट रह जाएगा। ये अपने आप में मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन देश के लिए है और विशेष तौर पर हिमाचल के लिए है। हमारा प्रयास है कि जून महीने में इसका उद्घाटन हो, लेकिन हमने आग्रह किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से कि इसको एक ट्रायल बेसिस पर खोल दिया जाए 18 मई से, ताकि हमारे जो पर्यटक हैं उनको सुविधा हो और हमारे हिमाचल के लोगों को भी आने जाने की सुविधा हो सके, और कोई कमी हो तो उसकी जानकारी भी पहले ही पता चले। सर, हिमाचल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।